हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 27 मार्च 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो आया है राभा ट्राइब को लेके, कि राभा ट्राइब से वो कहाँ से बिलोंग है, वो कर रही है। तो देखो, राभा ट्राइब है वो आसाम से बिलोंग है, वो करती है। तो ये ट्राइब्स हमें एग्जाम में काफ़ी बार यूपीएससी पूछती रहती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है नंदन नीलकलानी कमेटी को लेके है। तो आपको बताना है कि नंदन जो नीलाकेनी कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, जो अभी न्यूज़ में थी। पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि डिजिटल पेमेंट के लिए, दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू फिनटेक। फिनटेक के बारे में हमने कल ही आर्टिकल डिस्कस किया था। फिनटेक का मतलब होता है दो टुकड़ों में डिवाइड करो, फिन का मतलब फाइनेंशियल, टी का मतलब टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजीज होती है उसको फिनटेक का नाम है दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि एक तरीके का जो रिकमेंडेड मेजर्स है आईटी सेक्टर को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। और चौथा स्टेटमेंट या चौथा ऑप्शन ये है कि पहला और दूसरा दोनों। देखो, जो नंदन नीलकलानी कमेटी है ये एक्चुअली डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए है, और इसके साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि आपको तो पता है डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि जो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है उसके तहत ही आपको पता है फिनटेक का यूज किया जा रहा है। उस फिनटेक प्रोग्राम के तहत ही डिजिटल पेमेंट मेथड को सपोर्ट है वो किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्पार्क स्कीम को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कहा गया है कि इसका जो मोटो है स्पार्क स्कीम का वो ये है कि हमारे देश में रिसर्च इकोसिस्टम, किसके लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनको अकेडमिक और रिसर्च कोलाब्रेशन है इंडिया और फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इनके बीच में प्रमोट करने के लिए है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो क्वालिटी बेंचमार्क है स्पार्क के लिए वो केवल इंडियन इंस्टीट्यूट हैं उनको ही अप्लाई कर सकती हैं, मतलब केवल और केवल जो इंडियन इंस्टीट्यूट हैं वही स्पार्क स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जो कि इंडिया की टॉप 100 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती हैं। मतलब इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूट कौन कौन से कैसी रैंकिंग है तो उसके द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है NIRF। NIRF का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इस रैंकिंग में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं वही स्पार्क स्कीम के लिए अप्लाई है वो कर सकती हैं। देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। स्पार्क स्कीम का मोटो ये है कि हमारे देश में जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, इंस्टीट्यूट कॉलेज हैं, इनके अंदर एकेडमिक और रिसर्च कोलाब्रेशन किसके साथ, फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ है, वो की जाएगी, ताकि हमारे देश में इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव है वो किया जा सके और रिसर्च का इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके। और इसके अंतर्गत इंडिया के वही इंस्टीट्यूट भाग ले सकते हैं जो इंडिया के टॉप 100 में आए हैं, मतलब मेनली जो टॉप इंडिया के 100 इंस्टीट्यूट हैं उनमें से कुछ इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाई करेगी। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पे पूछा गया है कि करेक्टली मैच कौन सा है, मतलब इन तीनों स्टेटमेंट को लेकर हमें ये पता लगाना है कि भाई ऐसी आदतें हैं किससे बिलोंग है वो कर रही हैं। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी एग्जाम में पूछा करती है, मेनली हिस्ट्री में। तो स्पेशली पहला यहाँ पे ये दिया गया है कि ही वाज ए ग्रेट लवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड ग्रेट डिप्लोमेट, मतलब बहुत ही अच्छा कूटनीतिज्ञ था और डेमोक्रेसी का लवर था, हम बोल सकते हैं कि लोकतंत्र प्रेमी था। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि उसने जो इंडिया में पायोनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया में क्रिएट है वो किया था। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि उसने ट्री ऑफ लिबर्टी है श्रीरंगपट्टनम में वो इम्प्लीमेंट है, प्लांट है वो की थी, ट्री ऑफ लिबर्टी। अब आपको बताना है ये ऐसी जो आदतें हैं ऐसा कौन महापुरुष था जो ये तीनों आदतें या तीनों उससे मैच हैं वो खाती हैं। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे टीपू सुल्तान। क्योंकि देखो, एक तो आपको पहले इसी से समझना चाहिए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि या श्रीरंग में जो ट्रीटी थी वो टीपू सुल्तान से रिलेटेड थी और उन्हीं के राज्य में हुई थी। दूसरी बात, वो डेमोक्रेसी के बहुत अच्छे लवर थे, उनको एक्चुअली मैसूर ऑफ टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर वो यहाँ पे ए है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोलर रिपोर्ट को लेकर, कि जो कि न्यूज़ में थी किससे रिलेटेड है। तो देखो, मैं आपको बता दूँ, जो मोलर रिपोर्ट है वो यूएसए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। आपको पता है कि जब ट्रंप इलेक्शन जीते थे तो उसके बाद काफ़ी खबरें आई थी तरह तरह की, कि भाई रसिया ने यूएसए को, यूएसए के अंतर्गत ट्रंप को जीतने में हेल्प है वो की है, उन्होंने काफ़ी धांधलेबाजी वगैरह के आरोप उन पर लगे थे। तो इसी के बाद क्या हुआ था, यूएस के अंदर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बैठी है, एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसका नाम था मोलर रिपोर्ट, और उसका मोटो ये था कि भाई कितना धांधलेबाजी क्या हुआ वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन निकालना। तो बस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई है कहाँ से रिलेटेड। नेक्स्ट जो आज का हमारा पहला आर्टिकल है वो है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम को लेके। देखो, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है ना,
ये क्यों स्टार्ट किया गया और किसके द्वारा? पहली बात तो ये कि ये इसरो का एक इनिशिएटिव है। अब देखो बात यह है कि हमारे देश के अंतर्गत जो रिसर्च है या फिर जो बच्चे हैं ना उनके अंतर्गत साइंटिस्ट के जो टेक्नोलॉजी या फिर हम बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट जैसा दिमाग है वो डेवलप करने के लिए या फिर उनके जैसी जिज्ञासा डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इसमें होगा क्या, हमारे देश के जो स्कूली बच्चे हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा कुछ बच्चों को, और फिर उनको साइंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में साइंटिस्ट वाले एरिया में उनको नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब इसमें हर स्टेट से अगर हम बात करें तो तीन तीन बच्चों को सिलेक्ट है वो किया जाएगा, जो कि CBSE स्कूल से भी हो सकते हैं, ICSE और स्टेट सिलेबस सबसे। और ये ध्यान रखना इसमें जो मतलब रूरल एरिया के बच्चे होंगे उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि रूरल एरिया के बच्चों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो इसलिए उनके मार्क्स वगैरह कम रह जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि केवल जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसी को वेटेज दिया जाएगा, अगर रूरल एरिया का बच्चा है उसका काफ़ी अच्छा नॉलेज स्किल है उसके बेसिस पर उसको सिलेक्ट किया जाएगा, और फिर इसरो खुद उनको हेल्प है या खुद उनको एक तरीके से टेक्नोलॉजी नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाएगा कि भाई स्पेस साइंसेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत है, एक तरीके से हमारे देश में रिसर्च को डेवलप किया जाएगा। और ये ध्यान रखना इसमें मेनली जो बच्चे 8वीं पास हो चुके हैं और 9th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं केवल उन्हीं को इस स्कीम का फायदा है वो मिलने वाला है। हर स्टेट से तीन तीन बच्चों को सिलेक्ट है वो किया जाएगा। का मोटो क्या है इसका? इसका मोटो ये है कि जो यूथ है या फिर जो युवा विज्ञानी कार्यक्रम के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना UPSC युवा विज्ञानी कार्यक्रम पूछ सकती है या फिर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो आया है हम्बन तोता पोर्ट को लेके, ये तो हो गया आपके सामने श्रीलंका का मैप है और यहाँ पे ये है हम्बन तोता पोर्ट, आप देख सकते हो नीचे की साइड साउथ में। अब देखो वैसे तो जो हम्बन तोता पोर्ट है ना ये एक्चुअली श्रीलंका ने चाइना को दे दिया था 99 ईयर्स के लिए लीज के लिए, बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया के द्वारा भी चलाया जा रहा है, फिर इंडिया की कंपनी उसे चलाएगी। वो इंडिया की जो कंपनी है वो ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल है ना, वो गैस मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड गैस उसके साथ कोलेब्रेशन में यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो लगा रही है हम्बन तोता में, तो ये ध्यान रखना है। वैसे तो यहाँ पे जो पोर्ट वगैरह ध्यान रखना, हम्बन तोता जो पोर्ट है वो तो श्रीलंका ने चाइना को लीज पे दे रखा है 99 ईयर के लिए और उसे डेब्ट ट्रैप में फंसा रखा है। अब देखो हम्बन तोता की जो लोकेशन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इसलिए है कि आपको पता है कि श्रीलंका के इस साइड तो कौन सा एरिया है, इस वाले एरिया में आपको पता है कि मेनली मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा आता है, और इस वाले हिस्से में कौन सा आता है, इस दो इधर वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है ईस्टर्न एशिया का। अब देखो ईस्टर्न एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच में जो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें या फिर हम इंडियन ओशियन है इसको थ्रू ही इस दोनों एरिया को कनेक्ट हो कर सकते हैं, मतलब कि ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए ये जो हम्बन तोता पोर्ट है इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑयल वगैरह के जो भी शिप वगैरह या फिर जो भी ट्रेड होता है वो इस रास्ते ही होके होता है, इसलिए इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटजिक है। और यहाँ पे अगर चाइना का कब दबदबा रहता है तो ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है वो नहीं है। यहाँ पे एक पोर्ट और है ये इंडिया को दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना, ये पोर्ट कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन से पोर्ट है जो इंडिया को दिया गया है चाइना के द्वारा, सॉरी श्रीलंका के द्वारा। ये तो श्रीलंका ने चाइना को दे रखा है हम्बन तोता, तो बट यहाँ एक पोर्ट है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना। एक फैक्ट ये ध्यान रखना है कि जो हम्बन तोता पोर्ट है वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना उसका एक अहम पार्ट है, तो ये इसके कुछ फैक्ट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पहला फैक्ट होगा यहाँ पे ये। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजी का मतलब हो गया वेदर हुआ या फिर क्लाइमेट की बात करें या फिर हम एक तरह से बोला कि हाइड्रोलॉजी हुआ, इन सबसे रिलेटेड जो भी डील की जाती है वो की जाती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्लाइमेटोलॉजी की बात कर लो या फिर वेदर फोरकास्टिंग का काम करना हो या फिर ज्योग्राफिकल साइंस की बात करनी हो, फिर ओशियनोग्राफी की बात हो या फिर एटमोस्फेयर केमिस्ट्री हो, इन सब को लेकर रिसर्च कोलाब्रेशन हो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है वो यूएन की जो स्पेशल एजेंसी है WMO उसके द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो पुरानी संस्था थी उसका नाम था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बनाई गई थी 1873 में यानी कि 1873 में, इसके बाद में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया था 1945 के बाद। इसकी दो रिपोर्ट आती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार मोटी सी नज़र से देख लेना, एक तो है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, एक है स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, तो दोनों ही रिपोर्ट मोटा मोटा देख लेना, बस ज़्यादा काम की नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है अभेद्धा को लेकर, अभेदा का मतलब क्या होता है हिंदी में, जिसे भेदा ना जा सके या फिर जिसे एक तरीके से मतलब आप क्रॉस है वो नहीं कर पा रहे हो। देखो ये क्या है,
ये एक तरीके की स्ट्रेटजी है, या फिर हम बोल लें एक तरीके की फैसिलिटी है, इंडियन नेवी की फैसिलिटी है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ये इसलिए ये फैसिलिटी इसलिए बनाई गई है क्योंकि अगर कहीं भी न्यूक्लियर अटैक हो जाए, या फिर बायोलॉजिकल अटैक हो, या फिर केमिकल अटैक हो, उन तीनों ही कंडीशन में बचने के लिए, मतलब जिसे इन तीनों ही हालात में बच जाए, बचाने के लिए ये एक तरीके की फैसिलिटी है जो कि बोट शिप के ऊपर लगा है, वो लगाई गई है। उस शिप का नाम है INS शिवाजी। तो ये ध्यान रखना, INS शिवाजी को इस तरह लैस तैयार किया गया है कि उस पर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक का कोई भी इफेक्ट है वो ना होगा। तो ये है अभ्यता, UPSC इसके बारे में यहाँ पे पूछ है वो हमें सकती है। नेक्स्ट जो छोटा सा आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के नज़रिए से, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट है क्या? देखो, IPP इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट है, वो एक ग्रुप ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है, इथुएस्ट। इथुएस्ट का मतलब ये होता है कि जो आर्ट के प्रेमी होते हैं, फिर आर्ट जिनको काफ़ी पसंद होती है कला, उन लोगों का एक तरह का ये सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म सा है, जहाँ पे होगा क्या, कोई भी जैसे आपको पता है धार्मिक आर्ट हो या फिर रिलीजियस, कोई भी ऐसी हो जो मूर्ति वगैरह हो या फिर कोई ऐसी स्कल्पचर हो जो चोरी वगैरह हो गई हो, तो वो सोशल मीडिया की हेल्प से आइडेंटिफाई है वो की जाएगी, उसको वापस सिक्योर उसकी जगह पे आइडेंटिफाई करके वापस स्थापित है वो किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट है क्या। तो देखो, ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।